हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजिट और अभिजीत तिवारी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वंस अगेन गाइस फॉर सपोर्टिंग मी एंड लविंग मी। भाई आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है पिकनिक स्पॉट पे, और वो पिकनिक स्पॉट है झुमरी तिलैया का फेमस तिलैया डैम। तो यार कभी भी अगर आप लोग जो तिलैया का है वो तो यहाँ पे घूम चुका है, लेकिन जो लोग तिलैया के बाहर से हो और जो लोग इस ब्लॉग को देख रहे हो, तो यार कभी भी अगर कोडरमा विजिट करते हो तो आप कोडरमा में एक झुमरी तिलैया शहर है, तो यहाँ पे एक तिलैया डैम है, तो कहीं जाओ चाहे नहीं बट यहाँ पे घूमने के लिए जरूर आना अगर मौका मिलेगा तो। झारखंड राज्य में यार एक कोडरमा डिस्ट्रिक्ट आता है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में एक झुमरी तिलैया शहर आता है। तो यहाँ पर डैम के पास आने का सिर्फ दो ही रास्ता है, या तो आप बिहार रूट से आओगे या आप झारखंड रूट से आओगे। अगर आप झारखंड रूट से आते हो तो आपको सबसे पहले एक बरही चौक मिलेगा, बरही चौक से यार 5-7 किलोमीटर आपको आगे आना है, एक उर्मा मोड़ मिलेगा और वहाँ से आपको राइट टर्न लेना है, और उसके बाद 5 किलोमीटर आप अंदर आओगे तो आप तिलैया डैम के पास आ जाओगे। तो मैं अभी आपको वहाँ का व्यू और लोकेशन सब कुछ दिखाने वाला हूँ कि उसका नज़ारा कैसा है दिखने में। उसके बाद यार एक बिहार रूट है, अगर आप बिहार से आओगे तो सबसे पहले आप कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में इन करोगे। जैसे आप कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में इन करोगे तो वहाँ से आपको लगभग 22 किलोमीटर आगे चल के आना है, वही रूट में बाईपास पकड़ते हुए, तो आपको एक उर्मा मोड़ मिलेगा और उस 22 किलोमीटर के बाद आपको उर्मा मोड़ जो चौक है वहाँ से आपको लेफ्ट ले लेना है, और 5-6 किलोमीटर अंदर आओगे तो आप तिलैया डैम के पास आ जाओगे। यार यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुपर्ब है, बहुत ही अच्छी है, तो कभी भी मौका मिले तो यहाँ ज़रूर विजिट करना। यहाँ पे आप पिकनिक भी मना सकते हो, यहाँ पे बोटिंग फैसिलिटीज़ भी है, और आप पिकनिक मना सकते हो फैमिली के भी साथ, एकदम फुल सेफ गार्ड के साथ और फुल सेफ्टी जगह है। यहाँ पे पुलिस हमेशा अवेलेबल रहते हैं, दिक्कत नहीं है, इसलिए आप एकदम सेफली आ भी सकते हो, इंजॉय भी कर सकते हो और जा भी सकते हो। तो गाइज मैं आपको, चलिए मैं दिखाता हूँ कि यहाँ एक्चुअली में यहाँ का व्यू कैसा है। तो गाइज जैसा कि हम डैम पे पहुँच चुके हैं, डैम के बगल में ऊपर में एक छोटा सा पार्क है जिसका व्यू बहुत ही अच्छा है, और वो एक तरह से पिकनिक स्पॉट है, आप वहाँ पे पिकनिक भी मना सकते हो। जैसा कि आप सामने में ये पेड़ देख रहे हो, ये हमारा एंट्री गेट है डैम के पास जाने का, जहाँ से आप बोटिंग भी कर सकते हो, फोटोशूट भी करवा सकते हो। यार जिन लोगों के पास टाइम कम भी है तो वो लोग यहाँ पर आके दिन भर घूम के, और यहाँ का जो विलेजर्स लोग हैं वो लोग का अपना दुकान है ताज़ी ताज़ी मछलियों का, मुर्गा का, मटन का। तो यार सबसे अच्छी बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आओगे तो आपको पिकनिक में खुद से पकाना और खाना है, जो ये चीज़ बहुत सही है कि आप ऐसे भी आके घूम के खा पी के जा सकते हो। यार यहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई अभी आपको कम दिख रहा होगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अदरवाइज हमेशा साफ़ सफाई रहती है। यार बोटिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है, सारा लाइफ जैकेट्स के साथ आपको बोटिंग कराने को मिलेगा, और आप पर्सनली भी बोट को लेके जा सकते हो, ये बहुत सही है। जितनी दूर तक देखोगे यार ये है डैम का व्यू। ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है ये बगल के विलेज से कनेक्ट करता है। यार जितनी दूर तक आप देख सकते हो सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, बहुत ही, कभी भी टाइम मिले तो जरूर यहाँ पे आओ, घूमो, विजिट करो। ये वही ब्रिज है जो बगल के गांव से कनेक्ट करता है, राइट साइड में जैसा कि आप डैम देख रहे हो पूरा पानी का। ये ब्रिज की दूसरी तरफ आप देख रहे हो, जैसा कि जब पानी बरसात में ओवरफ्लो हो जाता है तो ब्रिज के नीचे टोटल 6-7 गेट हैं जो कि सब खोल दिया जाता है, और जब वो 7 गेट खुल जाता है तो यार इधर का लोकेशन और व्यू देखने का कुछ अलग ही नज़ारा रहता है। यार चारों तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा, जितना भी सूखा एरिया दिख रहा है सारा डूबा हुआ रहता है पानी में, तो वो बहुत ही सुंदर है। जैसा कि ब्रिज का अब हम लोग लास्ट में आ चुके हैं, और जो आप ये बाईं तरफ देख रहे हो जो रास्ता जा रहा है ये सारा पिकनिक स्पॉट है। कहीं भी आप अपना, अगर आपको खुद का मर्जी है कि हमको पकाना है खाना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, जो कि बहुत सही है। तो यार फुल सेफ्टी के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द कंटेंट विद योर फ्रेंड्स, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।